बिहार और बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी आज पटना पहुंच रहे हैं। बिहार में मचे सियासी घमासान के बाद नजरें राज्यपाल पर टिकी हैं। राज्यपाल से आज मांझी और नीतीश दोनों ही मुलाकात करेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल किसे पहले बहुमत सिद्ध करने का मौका देते हैं। नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलकर बहुमत का दावा पेश करेंगे। बिहार विधानसभा के स्पीकर ने पहले ही नीतीश को मांझी की जगह विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। नीतीश के घर समर्थक विधायकों का तांता लगा हुआ है। सुबह समर्थकों की बैठक लेने के बाद दोपहर 1:30 बजे नीतीश राज्यपाल से मिलेंगे। जीतन राम मांझी अभी दिल्ली में है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक वो पटना पहुंच जाएंगे। मांझी ने कहा है कि वो आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उनके पास बहुमत होने का दावा पेश करेंगे। मांझी दोपहर बाद राजभवन पहुँच सकते हैं। जीतन राम मांझी ने रविवार को दिल्ली में कहा कि 19 या 20 फरवरी को वो बहुमत साबित कर देंगे। मांझी ने कहा कि वो 34 नए मंत्री बना सकते हैं। मांझी ने दो टूक कहा कि वो इस्तीफा तभी देंगे जब नीतीश बहुमत साबित कर देंगे। 20 तारीख से असेंबली बजट सेशन आहूत कर रहे हैं। जिनको समझ में है कि हमारी मेजोरिटी है तो हम 19 या 20 तारीख को हम बैठक भी बुला लिया है, उस दिन वो मेजोरिटी साबित कर देंगे। अगर उस दिन मान लीजिए कि वो उनका मेजोरिटी हो जाती है तो हम स्टेप डाउन कर जाएंगे, और नहीं तो मेजोरिटी नहीं हुई तो उन लोग को अपना जो आज कर रहे हैं वो सदा इलीगल करना है। पार्टी प्रेसिडेंट को कहीं अधिकार नहीं है लिस्टलेशन पार्टी की बैठक को बुलाना। मांझी ने नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश सत्ता से दूर नहीं रह सकते और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मांझी ने ये भी कहा कि नीतीश उन्हें रबर स्टैम्प समझते थे, लेकिन ये उनकी बड़ी भूल थी। ये गलतफहमी उन लोगों को हो गई कि जीतन मांझी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो रबर स्टैंप हो जाएगा और जो चाहेंगे उसे कर लेंगे। तो हमको लगा कि भाई स्वाभिमान जगा कि जब हम मुख्यमंत्री हैं अगर गलत होगा तो कल हमको लोग गाली देगा। हम अपना स्वाभिमान के अनुसार आज काम करने लगे तो उनको पेट में दर्द होने लगा और नाजायज तरीका भी उठा करके एक अपमानित महादलित को या दलित को करने का वो कुत्सित प्रयास वो कर रहे। नीतीश खेमा भी मांझी पर हमलावर हो गया है। जेडीयू के प्रदेशाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि मांझी को कुर्सी का मोह है और वो अहंकारी हो गए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये भी कहा कि मांझी याद करें, वो कहा करते थे कि मांझी अपने कमरे में भगवान की नहीं बल्कि नीतीश की फोटो रखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में भाषा का, संयम का, मर्यादा का बड़ा ही महत्व होता है। अब जब तक नीतीश जी साथ थे तो एक बार तो उन्होंने यह भी कहा था, मैं अपने कमरे में भगवान का फोटो नहीं रखता हूं लेकिन नीतीश कुमार का फोटो रखता हूं। आरजेडी नेता पप्पू यादव भी मांझी के समर्थन में उतर आए हैं। पप्पू यादव ने लालू से भी मांझी का साथ देने की अपील की। पप्पू यादव ने मांझी के 6 महीने का काम की तारीफ की, जबकि लालू यादव ने इससे पहले कहा था कि वे जेडीयू के घर का आपसी मामला है। यादव जी और नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को ओवर भाग दे दिया दोनों आदमी। हमको लगता है कि लालू यादव जी को पुनर्विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार जी यदि आज भी सोचते हैं कि महादलित के प्रति उनकी निष्ठा है तो आज भी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कोई रास्ता नहीं है सांप्रदायिकता को चैलेंज करने के लिए। एक तरफ एक बार आप इस्तीफा देते हैं और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता को लाने के लिए आप सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के चलते आप जीतन राम मांझी को आप हटाते हैं और बिना किसी कारण के, तो ये दर्द तो है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने बिहार के सियासी हालात पर दिनभर माथापच्ची की। केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के घर बिहार बीजेपी के नेताओं ने बैठक की, जिसमें नंद किशोर यादव, धर्मेंद्र प्रधान, राजीव प्रताप रूढ़ी, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी और रामकृपाल यादव शामिल हुए। बैठक के बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। जीतन राम मांझी भी बहुमत का दावा कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी भी बहुमत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये संवैधानिक दायरे में ही तय होगा। भारतीय जनता पार्टी इस सारी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि वो फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद कहा कि बातचीत केवल सूखाग्रस्त इलाकों में गंगा का पानी लाने पर हुई। इसके बाद वो नितिन गडकरी से भी मिले। सूत्रों की माने तो मांझी ने बीजेपी का साथ मांगा है, लेकिन बीजेपी ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। वहीं बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती ने मंत्री विनय बिहारी और जेडीयू विधायक सुमित सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक उन्हें कहा जा रहा है कि अगर नीतीश का साथ नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा।
बिहार की सियासत की गर्माहट सड़कों पर दिखने लगी है। एक तरफ जहां पटना में जेडीयू विद्यार्थी परिषद ने अमित शाह और मांझी का पुतला फूंका और बीजेपी को उठापटक का जिम्मेदार बताया, तो वहीं मांझी के समर्थन में दलित और महादलित समाज सड़कों पर उतरा और नीतीश के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतगणना का केवल एक दिन बाकी है। चुनाव आयोग ने मतगणना के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। ईवीएम मशीनों को पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रखा गया है। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। दिल्ली में 2 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जाएंगे। इनमें दिल्ली कैंट विधानसभा सीट का पोलिंग स्टेशन नंबर 31 और रोहतास नगर सीट का पोलिंग स्टेशन नंबर 132 शामिल है। ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबियों के चलते दोनों बूथ पर मतदान दोबारा कराया जा रहा है। एग्जिट पोल में मिली बढ़त के बाद उत्साहित केजरीवाल कैंप फिलहाल चुनाव की थकान उतार रहा है। रविवार को खुद केजरीवाल अपने साथियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे और ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं को भी फिल्म देखने और परिवार के साथ वक्त गुजारने की सलाह दी। ये सेलिब्रेशन नहीं है, पिछले एक साल से लगातार पूरे संगठन के सभी साथी मजबूती से, ईमानदारी से, निष्ठा से 24 घंटे और सातों दिन लगे हुए थे, अपना हड्डी खून पसीना जला गला रहे थे और चुनाव तक मेहनत करने के बाद अब किस्मत जो है ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है। हमारा ये मानना है कि अब ये अच्छा मौका है परिवार के पास वापस जाने का। बहुत सारे साथी परिवार से कट के कई दिनों तक बीवी बच्चों का चेहरा देखे बिना काम कर रहे थे, इसलिए कि देश बदलेगा उम्मीद के साथ। तो एक अच्छा मौका था कि आज सब साथ में मिल बैठ के और वक्त बिताएं। अच्छी मूवी थी, हमने सोचा देखा जाए और लुत्फ उठाया जाए परिवार के साथ मूवी का भी। बीजेपी रविवार को दिन भर अपने कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करती रही। बैठकों में दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ किरण बेदी भी शामिल रहीं। किरण बेदी ने केजरीवाल के फिल्म देखने पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें फिल्म देखने के लिए काफी वक्त मिलेगा। मैम, एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल बेबी फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं और बीजेपी वो मीटिंग कर रही है, इस पर क्या कहना है? अरविंद को बहुत टाइम मिलेगा और फिल्में देखने का। अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से रिपोर्ट लेने के बाद बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों से सहमत नहीं है। सूत्रों की माने तो पार्टी को आधी से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की बढ़त की खबर मिल रही है, जबकि कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर की खबर है। इसीलिए पार्टी को मंगलवार का इंतजार है। रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की पहली बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने संबोधित किया। बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पीएम ने टीम इंडिया की तरह काम करने का मंत्र दिया और राज्यों से अलग अलग योजनाओं पर सलाह मांगी। किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में आगे विकास हो, उसके संबंध में हर राज्य की अलग से योजना राज्य स्तर पे बने, उसमें केंद्र की क्या सहायता चाहिए, किस प्रकार से उनकी गतिविधि होगी। तो हाउ अ पुश कैन बी गिवन टू दी एग्रीकल्चर इन एवरी स्टेट। पीएम ने राज्यों से केंद्र की 66 योजनाओं पर सुझाव मांगने के अलावा गरीबी उन्मूलन और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों पर राज्यों की टास्क फोर्स बनाने की बात कही। वहीं 3 सब ग्रुप बनाने का भी सुझाव दिया। यूपी के सीएम अखिलेश और उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत समेत कई मुख्यमंत्रियों ने खुलकर अपने सुझाव भी दिए। नक्सल समस्या को लेकर केंद्र सरकार गंभीर होती दिख रही है। गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित बस्तर की सीमा से सटे महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई है, ताकि नक्सलियों के खिलाफ चलने वाले अभियान को अंतिम रूप दिया जा सके। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रविवार को घाटों पर वाईफाई सेवा की शुरुआत हो गई। उद्घाटन सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। शुरुआत बनारस के दशाश्वमेव घाट और शीतला घाट से की गई है, जबकि बाद में 8 और घाटों समेत सारनाथ को भी वाईफाई से जोड़ने की योजना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर देश के सभी लोगों को हिंदू कहा है। मेरठ के माधव कुंज में आरएसएस के समागम में संघ के स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदुत्व सबको जोड़ता है और देश की विविधता में एकता को देखना चाहिए। अगर सबको एक करना है तो सबको एक जैसा बना, अलग अलग भाषा के लोगों को अगर एक करना है तो उनको एक ही भाषा के अंदर डाल, बाकी सब भाषा भूल जाए, एक भाषा बोलने बैठे। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं कर लेगी, एक ही देव की
पूजा करना पड़ेगा, अलग अलग पंथ संप्रदाय नहीं चलेंगे, एक ही संप्रदाय चलेगा। बाकी दुनिया ये कहती है यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी आवश्यक है। शारदा घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने अदालत में सुजॉय बोस को मिली जमानत के आधार पर अपने लिए जमानत की अपील की है। सुजॉय बोस भी शारदा घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जबकि मदन मित्रा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। महाराष्ट्र कांग्रेस राज्य भर में रास्ता रोक कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का ये प्रदर्शन राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ होगा। कांग्रेस का कहना है कि ना ही सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को फडणवीस सरकार राहत दे पाई है, ना ही केंद्र सरकार आम लोगों तक कच्चे तेल की कीमतें गिरने का फायदा पहुंचा पाई। पूरी मुंबई में सीसीटीवी लगाने का प्रोजेक्ट अब जाकर शुरू होता दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट की चर्चा 2008 के मुंबई हमलों के बाद से हो रही थी। मुंबई में 6000 सीसीटीवी लगाने का ठेका L&T कंपनी को दिया गया है। प्रोजेक्ट को पूरा करने में 90 हफ्तों का वक्त लगेगा। दिल्ली के उत्तम नगर सीट से आप उम्मीदवार नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर नोटिस दिया है। नोटिस भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की जांच में शामिल होने के लिए दिया गया है, लेकिन अब तक बालियान जांच में शामिल नहीं हुए हैं। पिछले नोटिस पर बालियान के वकील ने वोटिंग के बाद जांच में शामिल होने की बात कही थी। हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि रोहतक में नेपाली मूल की महिला के साथ गैंगरेप और मर्डर की गुत्थी जल्द ही सुलझने वाली है। नेपाली मूल की महिला का शव 4 फरवरी को मिला था। पुलिस की माने तो कुछ हिस्ट्री शीटर अपराधियों से पूछताछ के बाद पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद वो बहुत जल्द अपराधियों तक पहुँचने वाली है। रेस्टोरेंट के महिला वॉशरूम में मोबाइल कैमरा छुपाकर MMS बनाने के आरोप में रेस्टोरेंट के एक स्टाफ बॉय को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्टाफ बॉय ने वॉशरूम में अपना मोबाइल फोन छिपाकर लगाया हुआ था, जिस पर रेस्टोरेंट में आई एक महिला की नजर पड़ गई। ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव के प्रधान की बीती शाम सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त प्रधान को गोली मारी गई, उस वक्त उनका सरकारी गनर भी उनके साथ था, जिसने जवाबी गोली चलाई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में प्रधान के गनर की भी मौत हो गई, जबकि एक हमलावर भी मारा गया। हरेंद्र प्रधान की हत्या के बाद गांव के लोगों में गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल हरेंद्र प्रधान सुंदर भाटी गैंग के एक शार्प शूटर के खिलाफ एक मामले में गवाह थे। हत्या के पीछे सुंदर भाटी गैंग का ही हाथ माना जा रहा है, लेकिन सरकारी गनर साथ होने के बावजूद सरेराह प्रधान का मर्डर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में न्यू रेलवे रोड पर बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के एक ATM पर धावा बोला। बदमाशों ने ATM मशीन तोड़ डाली, लेकिन कैश निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। शातिर बदमाश ATM में लगे CCTV कैमरे का रिकॉर्डर भी अपने साथ ले गए। वारदात के वक्त ATM पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। दिल्ली पुलिस ने मारपीट के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चुनाव से ठीक पहले वाली रात इन युवकों ने अपने ही गांव के रामकरण की पिटाई सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि रामकरण युवकों की पसंद के उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रहा था। मारपीट करने के बाद युवकों ने रामकरण का फोन भी छीन लिया था। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने उम्मीद की किरण जरूर जगाई। 59 रन बनाकर धवन ने फॉर्म में लौटने के संकेत दिए तो रहाणे ने 66 रनों की पारी खेली। वहीं अंबाती रायडू ने भी 42 गेंदों पर 53 रनों की बढ़िया पारी खेली, लेकिन इन युवाओं को छोड़कर सभी ने निराश किया। टीम इंडिया के सामने अभ्यास के लिए अगला मौका मंगलवार को होगा, जब उसे अफगानिस्तान के खिलाफ अगला वार्म अप मैच खेलना है। वैसे टीम इंडिया 2 सितंबर 2014 के बाद से विदेशी जमीन पर अब तक किसी टीम के खिलाफ कोई भी वनडे मैच नहीं जीत पाई है। चेन्नई में BCCI वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें 2 मार्च को सालाना बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। बैठक में N श्रीनिवासन भी शामिल हुए। नए अध्यक्ष का चुनाव भी सालाना बैठक में ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में BCCI को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए कहा था। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के स्पिनर सईद अजमल को जहां खराब गेंदबाजी एक्शन के आरोप से बरी करने से राहत मिली, वहीं चोट के चलते नासिर जमशेद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। नासिर जमशेद की जगह पर मोहम्मद हफीज को टीम में जगह दी गई है।